जनता मालिक है, जनता सब देख रही है। शिवा जी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हरियाणा की खबरें भी हम दर्शकों को दे रहे हैं। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दमदमा झील पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं। जैव विविधता पार्क निर्माण की आधारशिला रखी गई है सीएम की ओर से, डायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखी गई है। दमदमा झील की पुनर्निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया गया है। तो सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में, और इनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इससे पहले हम बात करते हैं तो बुधवार को भी गुरुग्राम में थे, उसके बाद दिल्ली गए, वहां इनकी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब एक बार फिर से गुरुग्राम में डायवर्सिटी पार्क की इनकी ओर से आधारशिला रखी गई है। दमदमा झील के पुनर्निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया है, और नौकायन के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी संवाद करेंगे सीएम, इनका कार्यक्रम रहेगा। तो सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई, सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में दमदमा झील पहुंचे, डायवर्सिटी पार्क का इनकी ओर से आधारशिला दर्शन रखी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इनके साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्थानीय नेता भी इनके साथ इस कार्यक्रम में हैं, खिलाड़ियों से भी संवाद करने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रखी है, सोहना पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल, बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखी गई, नौकायन के खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल। तो सीएम के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई, एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हुए आम आदमी पार्टी की हम बात करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सोरखी जी, ठीक है आप लोग अब आधा गिलास भरा देख रहे हैं, एक बार फिर से आएंगे चर्चा पर, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की तस्वीरें दरअसल हम दिखा दें। सीएम मनोहर लाल सोहना में पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देखिए, बायोडायवर्सिटी पार्क की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को आप देख रहे हैं इनके साथ हैं, और नौकायन के जो खिलाड़ी हैं उनसे भी संवाद करेंगे सीएम। तो सोहना वासियों के लिए, गुरुग्राम वासियों के लिए ये बड़ी खबर, जैव विविधता पार्क निर्माण की आधारशिला रख दी गई है। सीएम जैसे ही पहुंचे उनका स्वागत किया गया, और कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं सीएम, नौकायन के खिलाड़ियों से भी संवाद उनका रहेगा, चूंकि झील के पुनर्निर्माण की भी आधारशिला